बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बीबीसी न्यूज़ नेटवर्क, मैं हूं इब्रार हुसैन। सबसे पहले दिन भर की अहम 11 हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म का आटा बहरान से निपटने के लिए सरकारी गंदम फौरी मार्केट में लाने का हुक्म। सस्ते बाजार और पॉइंट्स बनाकर लोगों को आटा फराहम किया जाए। निजकारी के बावजूद के इलेक्ट्रिक में बेहतरी नहीं आ रही, नेप्रा। फजलुर रहमान के धरने पर कुछ लोग दावा बोलने के हामी थे, चौधरी शुजात हुसैन। आइंदा साल पाकिस्तानी मईशत की बहाली का इम्कान है, IMF। टिड्डी दल से मुतासरा किसानों को पैकेज के जरिए मुआवजा देने का फैसला। लाहौर के करीब नया शहर बसाने के लिए रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के क्याम की मंजूरी। पिशावर हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट से सजा के खिलाफ अपीलों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। MQM ने शादी हॉल्स खोलने की करारदाद सिंध असम्बली में जमा करा दी। मिकी आर्थर का एशिया कप की मनसूखी पर मायूसी का इजहार। वज़ीर आज़म का अपनी टीम की कारकर्दगी पर समझौता न करने का फैसला। कोरोना वायरस के दौरान इमरान खान की नाअहली खुलकर सामने आ चुकी है, आसफ अली जरदारी। नाज़रीन, ये थी दिन भर की अहम 11 हेडलाइंस। इब्रार हुसैन को दीजिए इजाज़त। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें BBC न्यूज़ नेटवर्क। अल्लाह हाफिज़।